वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सिलेक्शन विद राहुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए यूपी प्लस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेकर के आया हूँ, वर्डमाला, जो कि जिसके 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। वर्डमाला वर्डमाला सबसे पहले वर्डमाला के बारे में बता दूं, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, जिस प्रकार वर्ण हमें क्रमानुसार दिए हुए होते हैं, छोटा बड़ा का खा गा घा, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के अंतर्गत हमें महत्वपूर्ण पार्ट है वर्ड। वर्ड वर्ड को डिस्कस करते हैं। वर्ड वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और इसके अंदर एक एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, जो भाषा की सार्थक इकाई के बारे में अगर हमको पूछा जाए, तो भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो होती है शब्द। भाषा की सार्थक इकाई होती है शब्द। ये जो वर्ड होते हैं, वर्ड ये भाषा की लिखित इकाई होती है। लिखित इकाई ये भाषा की लिखित इकाई होती है। वर्ड वर्ड भाषा की लिखित इकाई होती है, और लिखित इकाई होती है, और ध्वनि 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 भाषा की ध्वनि जो है वो भाषा की ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है। मौखिक इकाई होती है। इसके अंदर तो स्टूडेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है, और ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है। ध्वनि जो है वो भाषा की मौखिक इकाई होती है, ध्वनि, और सार्थक इकाई होती है शब्द। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं वर्ड। वर्ड की डेफिनेशन के बारे में हमने बता दिया, अब वर्ड के पार्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। वर्ड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर स्वर वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। स्वर वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोले जाएं और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। तो आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे।
स्वर। दोबारा उस डेफिनेशन के बारे में बता दूं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। स्वर मुख्यतः 11 होते हैं। स्वर जो है मुख्यतः 11 होते हैं, लेकिन इसे परंपरागत दृष्टि से इनकी संख्या 13 है, और उच्चारण के आधार पर देखा जाए, उच्चारण की दृष्टि से स्वर केवल 10 ही प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होते हैं, सॉरी 10 होते हैं। परंपरागत दृष्टि से 13, इनकी संख्या 13 है, और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 है। अब बता दें कौन कौन से होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये 11 स्वर होते हैं। अब बात करें स्वरों के प्रकारों की। बात करते हैं स्वर की। स्वर के बारे में बता दिया कि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए और आधार पर टोटल स्वर 11 हैं। लिखने के आधार पर स्वर 11 हैं और पढ़ने के आधार पर भी टोटल स्वर 11 ही होते हैं। कुछ पुस्तकों में इनको 13 भी दे रखा है, और अर्थ के आधार पर स्वर 10 होते हैं। अर्थ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं। जिह्वा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं।
जिह्वा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, मुख की उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक हस्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर, नंबर तीन प्लुत स्वर। हस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में हस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। शॉर्ट में बता दूं, हस्व स्वर से ज्यादा समय। और प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय, जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, मान चलो इसका दूना ये और इसका दूना ये। अब इनकी संख्या की बात करें तो हस्व स्वर मुख्यतः चार होते हैं, आ ई उ और ऋषि, चार। और दीर्घ स्वर की बात हम करें, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। संख्या हो गई इनकी सात। प्लुत स्वर की बात हम करें, किसी नाटक में किसी रागनी में जो गायक कुछ इस प्रकार के वर्ण उच्चारित करता है, वही प्लुत स्वर होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार मैंने बताया था कि जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक अग्रस्वर, दूसरा है पश्च स्वर, सॉरी मध्य स्वर, और तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर तो अग्रस्वर के बारे में अगर हम बात करें तो अग्रस्वर मुख्यतः चार होते हैं। जैसे अग्रस्वर जिनमें जीभ का सिर्फ अगला भाग उठता है, जिनमें जिह्वा का सिर्फ जिनमें जिह्वा का अगला भाग उठता है। और मध्य स्वर के बारे में हम बात करें, जिनमें जिह्वा का मध्य भाग ऊपर उठता है। पश्च स्वर के बारे में अगर बात करें, जिनमें जिह्वा का
पिछला भाग ऊपर उठता है, जिनमें जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है, जिनमें मध्य भाग ऊपर उठता है और जिनमें पश्चिम भाग ऊपर उठता है। अगर हम बात करें तो प्रमुख हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, इनकी संख्या चार है, जिनमें जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, और मध्य भाग, जिनमें जिह्वा का मध्य भाग ऊपर उठता है, सिर्फ एक ही है, छोटा आ। पश्चभाग की बात करें तो के बारे में अगर हम बता दें, जिनमें जिह्वा का पिछला भाग ऊपर उठता है, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ी अंग, जिनमें जिह्वा का पिछला भाग ऊपर उठता है।